दोस्तों TVS अपाचे RTR 160 12 BS6 और BS4 में क्या अंतर है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को। इस चैनल पर आपको कंपेयर की वीडियो मिलती रहती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने दोनों ही बाइकें खड़ी हैं, ये है BS4 और वो है BS6। दोनों के मॉडल और डिजाइन में कोई अंतर नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको कलर और स्टीकर में अंतर दिखाई पड़ेगा, जिससे ये बाइक थोड़ी सी ज्यादा आपको आकर्षक लग सकती है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी बाइक का कलर और स्टिकर ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप BS4 में देखेंगे तो इसको आप पहले देख चुके होंगे, इसमें आपको व्हाइट पर रेड और साथ में ब्लैक पट्टी मिल रही है। अगर आप BS6 देखेंगे तो यहां पर आपको ये ब्लैक पे है और यहां पर रेड और कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनाया गया है ब्लैक कलर की, इस पे आपको पट्टी मिल रही है। तो आप बताएं कि इसमें आपको कौन सी बाइक का कलर कॉम्बिनेशन या स्टिकर आपको कौन सी बाइक का ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में आप हेडलाइट देखेंगे तो यहां पर कोई अंतर नहीं है, इसको अगर आप स्टार्ट ऑन करते तो लाइट जलती है, इसकी आप अगर ऑन करेंगे तो आपको लाइट नहीं जलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सिर्फ DRL जलेंगे। और यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं दिया गया है दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप पेट्रोल टैंक को देखेंगे तो यहाँ पर इसमें स्टिकर चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टिकर दूसरे मिल रहे हैं। और इसमें पहले ये वाली पट्टी जाती थी, इसके ऊपर आपको ये TVS का 3D लोगो मिलता था, इधर आप देखेंगे, जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो 3D लोगो के ऊपर कोई स्टिकर नहीं है, इसमें इस प्रकार का डिजाइन बनाया गया है। आप साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा डिजाइन है जो कि काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो और यहाँ पर पेट्रोल टैंक पर जो ये डिजाइन है इसमें भी कट का निशान है, और जबकि इसमें केवल प्लेन ऐसे दिया गया था। तो इसके टैंक में कोई अंतर नहीं, लेकिन स्टिकर और कलर में साथ में इसके लोगों में अंतर दिया गया है। ये जो चीज़ है ये आप लोगों को कैसी लगी? साथ में सीट वही है, अगर आप इसके सीट काउल पर देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का स्टिकर था, जबकि यहाँ पर आपको रेड कलर का स्टिकर नहीं था, यहाँ पर RTR 160 ऐसे लिखा था, ये ऐसे लिखा है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों। ये BS4 बाइक है, और पीछे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिजाइन है इस BS4 बाइक का, और ये है BS6 का। बाकी अगर आप मॉडल में देखेंगे तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अपाचे लिखा हुआ है साइड में, और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी अपाचे लिखा हुआ है। और दोनों ही बाइकें ये ड्यूल डिस्क ब्रेक वाली बाइकें हैं। अब अंतर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले एक चीज और दिखा दूं, ये है सीट टैंक का इंजन काउल, इसमें ब्लैक और व्हाइट मिल रहा है, और वो भी उसमें भी आपको ब्लैक और व्हाइट मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो किक नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ प्लास्टिक लगाया गया है, कवर लगाया गया है, और इसमें आप देखेंगे तो आपको किक मिल रही है दोस्तों, ये आपको किक इसमें मिल रही है। इसमें इंजन में इस BS4 इंजन से BS6 वाली बाइक में आपको ज्यादा पावर मिलेगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये मिल रहा है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है, यहाँ पर पेट्रोल बंद करने का सिस्टम हटाया गया है, जबकि अगर आप BS4 में देखेंगे वही चीज तो यहाँ पर आपको पेट्रोल बंद करने का सिस्टम मिल रहा है, ये पेट्रोल टी मिल रही है, साथ में ये कार्बोरेटर दिया गया है। तो इसमें ये अंतर है दोस्तों। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये एयर सक्शन वाल्व यहाँ पर लगाया गया है वो इधर से आया है, ये पाइप इसकी इधर से आई है, जबकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एयर सक्शन वाल्व की पाइप यहाँ से नहीं आई है। तो ये इसके अंदर आपको अंतर मिल रहा है दोस्तों। और बाकी मीटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन की लाइट नहीं मिल रही है, ये BS4 बाइक है, जबकि अगर आप BS6 बाइक में देखेंगे तो आपको फ्यूल इंजेक्शन की लाइट मिल रही है। तो ये इसके अंदर कुछ अंतर दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बताए। बाकी इसमें दोनों बाइकों में लगभग आपको 8 से 10 हज़ार रुपये का अंतर मिलेगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं है दोस्तों। लेकिन जो भी है सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सस्पेंशन वही हैं और ब्रेक वही हैं, ABS वही है, सारी चीज़ें वही हैं। लेकिन अगर आप ABS का सिस्टम देखेंगे तो थोड़ा सा नए डिजाइन में दिया गया है, और बैटरी इसमें ड्राई बैटरी नहीं है, इसमें आपको ड्राई बैटरी मिल रही है, तो बैटरी चेंज है। इतने सारे अंतर आपको BS4 और BS6 में दिए गए हैं दोस्तों। इस बाइक की कीमत है 99,900 एक्स शोरूम प्राइस है, और इसकी कुछ कम होगी इसका मुझे अभी पता नहीं है। आप लोग बताएं कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी, इससे ज़्यादा माइलेज आपको इसमें मिल जाएगी, इसमें आपको 40 से 50 के बीच में मिलेगी, इसमें आपको 45 से 55 तक की माइलेज मिल सकती है। ये अभी कंफर्म माइलेज नहीं बता रहा हूँ, माइलेज चेक होने के बाद मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। फिलहाल मैंने आपको अपाचे 160 RTR 2B BS6 और BS4 में अंतर दिखाया कि क्या अंतर है दोनों बाइकों में, और दोनों बाइकों के साइलेंसर में अंतर दिया गया है। BS6 में आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर के साथ ऑक्सीजन सेंसर मिलता है, जबकि BS4 में आपको नहीं मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।